है। किसान यात्रा के बीच राहुल गांधी आज मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, राहुल मंदिर में कुछ वक्त रुके, राहुल ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना भी की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी इस वक्त मथुरा में है। पीछे आप देख सकते हैं द्वारकाधीश मंदिर है, पीछे सामने मूर्ति है। आज नवरात्र का पहला दिन है और नीचे राहुल गांधी बैठे हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं। लगभग 10 मिनट हो गए हैं। यहाँ के लोकल लोग हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। विधायक दल के नेता प्रदीप माथुर भी साथ में है, लगातार यहाँ दर्शन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। मंदिर के बारे में राहुल गांधी पूछ रहे हैं। किसान यात्रा में जहाँ जहाँ राहुल गांधी जा रहे हैं, वहाँ वहाँ जो जो बड़े दर्शन पड़ रहे हैं, वहाँ वहाँ राहुल गांधी दर्शन कर रहे हैं। हर मंदिर जा रहे हैं, हर मजार जा रहे हैं। आज नवरात्र का पावन जो हफ्ता है उसकी शुरुआत हो रही है और आज की शुरुआत राहुल गांधी ने द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करने से की। सामने आप देख सकते हैं मंदिर की मूर्ति है, भव्य मूर्ति है और नीचे राहुल गांधी पिछले 10 से 15 मिनट से बैठे हुए हैं, लगातार इतिहास समझ रहे हैं। इस मंदिर का दर्शन करने आए राहुल गांधी, लोगों का भी जमा मामला है। तो आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी जहां जहां जा रहे हैं, जो जो फेमस मंदिर है वहां पर दर्शन कर रहे हैं, वहां पर बैठ रहे हैं, जिसमें एक मैसेज जाए कि हाँ वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व के प्रति आकर्षित। कैमरामैन अमित के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, द्वारकाधीश मंदिर मथुरा।